अनवर ये कमेंट चेक कर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में तुम लोगों को मिलेगी लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन। हम पता करेंगे जी ऑनलाइन वर्क के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहता है, ऑनलाइन वर्क या प्रोजेक्ट या जो भी कॉलेज के होते हैं उन सब चीज़ों के लिए। ऑनलाइन वर्क के लिए मतलब कौन सा बेस्ट है पड़ा। तो जी जल्दी से हम एंटर होते हैं इनमें से किसी शॉप पे, उस शॉप पे जो खाली हो जिसमें मतलब लेडीज़ वगैरह ना हो, ताकि हम ईज़िली शूट कर सकें। ये सामने एचपी के कोर i5 i7 पड़े हैं। तो सबसे पहले जाते हैं इनमें से किसी शॉप में और जाके पता करते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। ब्रो लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इफ़ यू डोंट माइंड बताएं। ब्रो i5 7 जनरेशन HP का कितने तक का मिल जाएगा, रैम रोम के साथ बता दें। i5 7 जनरेशन 8256 मुख्तलिफ प्राइस है यार। मेरे पास 7 जनरेशन में छोटी स्क्रीन में बड़ा टच पे है, वो अच्छा मिल जाएगा 49 में। अच्छा, और क्या कहते हैं i7 7 पड़ा है डेल में, HQ प्रोसेसर में पड़ा है, 2 GB एनवीडिया कार्ड में पड़ा है, वो मिल जाएगा आपको 62 में। अच्छा, और 8 जनरेशन पड़ा है, वो भी इसी रेंज में प्राइस रेंज में। ये ऑनलाइन काम के लिए और प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है। ब्रो बजट 50 से 60 तक का जो मैंने आपको i7 7 बताया है ना, वो आपके समझ लें कि हर काम के लिए बेस्ट है। अच्छा, आपने एडिटिंग करनी है और ऑफिस वर्क के लिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोकैड चलाना है या ऑनलाइन वर्क करना है, जिस चीज़ के लिए समझे कि फुल ओके चीज़ है इन कामों के लिए। ब्रो दिखा सकते हैं 360 रोटेशन में है या सिंपल है? नहीं सिंपल है, 360 में नहीं है, टच में नहीं है। ये पड़ा है i7 है, 7 जनरेशन है। ये है कि 1080 स्क्रीन है, कीबोर्ड लाइट भी है, जैसे आप रात को वर्क कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी है, फिंगरप्रिंट भी है। बाकी मैं आपको जो 8 जनरेशन बता रहा था, 8 जनरेशन एक ये पड़ा है, इसके अंदर i5 8 है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, फेस लॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी है। अच्छा, ये एक 9 जनरेशन पड़ा है। ब्रो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगा 65 में। i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD, 1080 स्क्रीन, बैकलाइट कीबोर्ड, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट के साथ, अल्ट्रा स्लिम बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर 2 GB कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें i7 7 जनरेशन, HQ प्रोसेसर है, इसके 4 कोर्स, जो 8 जनरेशन में कोर्स आते हैं वो इसके अंदर कोर्स हैं, 4 कोर्स हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर, 8 MB कैशे। और ये इसके अंदर एनवीडिया कार्ड है, ये 2 GB डेडिकेटेड एनवीडिया। ये जैसे कि ये है कि आप वर्क कर रहे होते हैं ना, उसके लिए है कि आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ऑटो कैड, बाकी ऑनलाइन वर्क, तो हर काम के लिए मतलब प्रॉपर ऑल इन वन है। हाँ। क्योंकि एडिटिंग जो होती है ना, उसके लिए होता है ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। बाकी जो आपने कह रहे हैं ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन वर्क के लिए नॉर्मल लैपटॉप भी चल जाता है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि उसकी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड आजकल SSD आ रही है, उसकी स्पीड अच्छी है, तो जो जिसमें लगवाएंगे वो चलेगा। लेकिन ये है कि ये फुल, वो कहते हैं ना, फुल पैकेज है, कार्ड भी है, i7 7 भी है, i7 भी है, HQ प्रोसेसर भी है, तो ये बहुत अच्छी मशीन है। ब्रो इन तीनों के ना डिस्काउंट के साथ फाइनल प्राइस बता दें। यार ये आपको मिल जाएगा 59,000 में। ठीक है, i7 7 ये आपको मिल जाएगा 63 में। ठीक है, वो 9 जनरेशन है, वो टच के साथ भी है, उसके ना स्क्रीन में टच है। अच्छा, टच के साथ है, ये मिल जाएगा आपको 73 में। ठीक है, बाकी मेरे पास i7 8 जनरेशन है कि HP में भी पड़ा है, ये भी टच के साथ है, ये भी आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, 65 में मिल जाएगा, 8 GB 256 GB SSD के साथ, i7 8 जनरेशन टच है। उसके बाद आपको एक और पड़ा है HP में, 8 जनरेशन, ये भी मिल जाएगा, ये विदाउट टच है, लेकिन इसका स्क्रीन ऊपर ग्लास है। अच्छा, ये मिल जाएगा। ये कौन सी जनरेशन है? ये i5 8 जनरेशन है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? i7 8 जनरेशन, ये आपको मिल जाएगा 60 में, और ये मिल जाएगा 65 में, i7 8 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद i5 7 जनरेशन ये पड़ा है, ये छोटी स्क्रीन में पड़ा है, i5 7 है, ये भी टच के साथ है, 1080 स्क्रीन है इसकी भी, ये मिल जाएगा आपको 49 में। इसका मैंने आपको पहले बताया था, ये 49 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पड़ा है i5 8 जनरेशन, ये मिल जाएगा आपको 69 में, 8GB 256GB SSD में। ये 6 जनरेशन पड़ा है, ये भी इसका ग्लास है, 1080 के साथ है, ये आपको मिल जाएगा 50 में। हाँ ठीक है, 50 में मिल जाएगा। ये भी H2 प्रोसेसर में पड़ा है, ठीक है, आपको पता है ना, उसके अंदर भी H2 प्रोसेसर है, इसमें भी H2 है, ये i5 6 है, ये आपको मिल जाएगा 45 में। ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। भाई ने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, यकीन करो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, सारे बेस्ट से बेस्ट हैं। जो भी पहले ये सुना है, पहले इस पे दिल आ गया, फिर इस पे दिल आ गया, फिर वो टच स्क्रीन देखी उस पे दिल आ गया, ऐसे लाइन में ही जाता रहेगा। टच स्क्रीन इसकी ये है, एक तो होता है ग्लास पे, हाँ जी, जैसे कि ये ग्लास है, इसके नीचे स्क्रीन है, वो बिल्कुल नहीं टच है, वो ब्रदर देखने से स्मूथ लग रही है काफी। ये भी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार यूनिवर्सिटी लेके जाना, इधर लेके जाना, दबाव आएगा तो टूट जाएगी, इसकी स्क्रीन में ही टच है। ये दो चीजें हैं, इसके नीचे स्क्रीन है, ऊपर ग्लास है, फोनों की तरह। ये बड़ा स्मूथ है ठीक है। ये 9 जनरेशन, ये भी एच प्रोसेसर के साथ है ब्रो, अच्छी है, नाइस है ब्रो। इंशाल्लाह आपके पास आएंगे आइडिया लेना तो ब्रो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाइड किया आपने ब्रो, थैंक यू सो मच। ओके, हम एंटर हो रहे हैं इस शॉप में, तो जी हम इस शॉप पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कोर i5 7 जनरेशन HP का, HP के अलावा भी देख लेंगे डेल में अगर कोई रेंज है तो ब्रो दिखा दो कोई ऐसा VIP सा अच्छी रेंज में। हाँ तो जी ये भाई ने i5 6 जनरेशन दिखाया ब्रो, ये ऑनलाइन वर्क के लिए ठीक है। 50 की रेंज में जी। ये i5 6 जनरेशन है ना ब्रो, एक i5 7 जनरेशन जो HP का बिल्कुल प्लेन उसमें है पड़ा। मैंने OLX पे देखा, वो तो 70 तक लगे हुए हैं, 65 70। वो i5 7 जनरेशन ही था, 256। और ये कितने की फाइनल मिल जाएगी ये वाली, अगर आपने लेनी है ना? 8GB और 500GB हार्ड ड्राइव, 8GB 256 के साथ ये आपको 48 की कर देंगे, बल्कि अगर आप क्वांटिटी ज्यादा करते हो तो आपको रेट और मुनासिब कर देंगे। वाली आ जाती है वो देख लेते हैं, फिर कर लेते हैं, डिस्काउंट अच्छा दे देंगे अगर आप करते हो। वालेकुम अस्सलाम जी उमर भाई, बैकलाइट कीबोर्ड है इसमें, चाय तेल बनाओ तेल को, तो चाय ब्रो मैं काम आया हूं, हुक्म करो मुझे दे दिया रैप टाइप को कोई तेल को चाहिए ये देखते साथ ही होता जी जी। और हैवी टेनेटी ब्रो, इसमें HP का नहीं मिलेगा सिल्वर कलर में, वो जरा खूबसूरत लगता है, खूबसूरत देखते हैं, खूबसूरत तो रहने की चीज अच्छी है भाई। डेल और HP काम करना तो ये बेहतर रहेगी i7 7 जनरेशन में भाई। और मैंने पहले ना पूछा किसी से, वो कह रहे थे HP का ज़्यादा अच्छा होता है तो नो डाउट ये भी नाइस है, भी इंटेल ही है, दोनों ये चीज़ें इंटेल ही होती हैं। अच्छा फर्क होता है ठप्पे का, पसंद नापसंद की बात होती है। ये देखो ये टैब बन के इसको टैब बनाकर यूज कर सकते हो। सर्कल के अंदर जो लोग HP यूज कर रहे हैं ना, वो मशवरा आपको HP का ही देंगे। इसके अंदर अगर कुछ चीजें आपने देखनी होती है तो वर्क स्टेशन मशीनें होती हैं, वो चाहे HP में ले लो या डेल में ले लो, अच्छी चलती है। i5 4 जनरेशन में क्या पड़ा था तुम्हारे पास? कैमरा अच्छा है, आपको वॉइस व्यूज आपको सारा कुछ दिखाया गया, अच्छा है ना ब्रो। ये कितने तक का मिल जाएगा? ये आपको 52 वाला 50 का फाइनल कर देंगे। i5 7 जनरेशन, i7 7 जनरेशन, 16GB RAM और 256 SSD। ये भाई ने इस मॉडल की प्राइस दी है 50 पूरा, ठीक है ब्रो। i7 7 जनरेशन, 16GB 256GB SSD, 360 रुपये 28 चार्जर जेल में, ठीक है ओके ब्रो। मैं पहले मार्केट में HP का देख लेता हूँ, सिल्वर कलर में नहीं तो ये बेस्ट ऑप्शन है ब्रो, थैंक यू सो मच। इन भाई के पास पड़ी हैं, इन भाई से ना रेट का आइडिया ले लेते हैं। जस्ट अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, लैपटॉप के रेट्स के आइडिया लेने थे। जी जी भाई बोलें ब्रो। i5 7 जनरेशन HP में 360 रोटेशन में चाहिए। i5 7 जनरेशन 360 रोटेशन में आपको ये मिल जाएगा, 7 तो नहीं 8 जनरेशन मिल जाएगा। दिखाएं ब्रो, ये देखें 1030 G3 है और 360 टच है, फिर इसके साथ आप स्टाइलस पेन यूज़ कर सकते हो, प्राइवेसी मोड भी है इसमें, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मिल जाएगा। कितने जीबी वाला क्या रैम रोम है इसमें? आपको दो वर्जन मिल जाते हैं, 8GB मॉड्यूल के साथ भी मिलता है आपको, 16GB मॉड्यूल के साथ भी मिलता है आपको। अच्छा ब्रो प्राइस प्राइस ये आपको मिल जाएगी 96,000 का 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ और 16 GB के साथ लेंगे तो 1,02,000 का मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। इनवाइट तो नहीं किया ना? नहीं, असल में लेना है लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन ले लेना फिर लेना। ठीक है, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। लैपटॉप की ऑलमोस्ट आपको हर वैरायटी, हर रेट, हर जनरेशन का आपको मैंने आइडिया ले दिया है। तो जी जिसने भी लैपटॉप लेना था मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये उनके लिए बड़ी अच्छी वीडियो हो सकती है। ऐसे ही मुझे और कमेंट्स करोगे ना कि अगर के भाई इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो, अनवर की ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सब पे वीडियो बना दूंगा। इसलिए तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे हो तो कमेंट कर दो। यहाँ पर करने लगा हूँ मैं ये व्लॉग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।